चलिए तो हम लोग भारत और विश्व का भूगोल देख रहे हैं। कोयली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह पेट्रो रिफाइनरिंग के उद्योग के लिए। अगला, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह जम्मू कश्मीर। अगला, कोसी परियोजना से लाभान्वित होते हैं बिहार और नेपाल। लश्कर ज्वालामुखी किस देश में? चिली में। अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? यह बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए। अगला, बर्किना फासो किस देश का नया नाम है? अपर वोल्टा का। अगला, कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों में बीच है? पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणियों के बीच। अगला है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी तथा अलकनंदा संगम पर। अगला है, ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम बताइए। तो यह काल गुल्लो और कूल गाइडी। अगला है, बुडापेस्ट बुखारेस्ट वियना तथा बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित है? डेन्यूब नदी के। अगला है, देश का सबसे लंबा बांध विश्व का भी उड़ीसा का हीराकुंड बांध है। यह किस नदी पर है तथा इसकी लंबाई कितनी है? तो यह महानदी पर है। याद रखिए, हीराकुंड बांध महानदी पर है और लंबाई इसकी 4800 मीटर। अगला है, क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? पारे को। अगला है, हमारा भारतीय मानक समय किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? इलाहाबाद, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांत। तावा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की। अगला है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली सामुद्रिक लहर है कील नहर। बेरूत किस देश की राजधानी है? लेबनान की। अगला है, पाइरो वलास्टिक्स क्या होता है? तो ज्वालामुखी से निकलती हुई चट्टान है। अगला है, अफ्रीका में अस्वान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर। अगला है, किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है? तो पामी क्षेत्र को। अगला है, राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलती है? सतलज ब्यास से। अगला है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में। अगला है, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच के पूर्वी देशांतर के समय है? 88.5 डिग्री ईस्ट। अगला है, भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगला है, राणा प्रताप सागर जल विद्युत जल शक्ति केंद्र किस नदी पर है? चंबल नदी पर। अगला है, अफ्रीका के उत्तमाशा अंतर्द्वीप केप ऑफ गुड की खोज किस नाविक ने की थी? तो यह था बार्थोलोम्यू डियाज। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो यह 1884। अगला, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? थाईलैंड। अगला, भारत का कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर के उपनाम से जाना जाता है? बेंगलोर। अगला, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट। अगला, विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश करता है? ऑस्ट्रेलिया। अगला, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में है? तो यह बेरेन द्वीप। अगला है, वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? भूवैवर्तनिकी सिद्धांत। अगला है, लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप है? कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप। अगला है, आंध्र प्रदेश का बंगम पल्ले क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो है, हीरा के भंडार के लिए। अगला है, भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? अमेरिका। अगला है, मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? भारत और तथा श्रीलंका। अगला, रेगुर क्या है? काली मिट्टी है। अगला, ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। अगला है, अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती हैं? जो मंडल में। अगला है, विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता थे? तो ये थे अनिक चेमेंडर। अगला है, भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? 6378 किलोमीटर। अगला है, हमारा जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो
याद रखिए जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां। अगला है, भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से दूसरी ओर पाकिस्तान से लगती है? जम्मू कश्मीर। हाँ, अगला है, महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला है, दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़। अगला है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी कौन सी है? पारसनाथ। अगला है, जोजीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में। अगला है, कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? काली नदी। अगला है, भारत में चंदन की सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में है? कर्नाटक में। अगला है, हम्बोल्ट धारा किस तट के पास होकर बहती है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास। अगला है, विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला किस क्षेत्र में है? यूक्रेन। अगला है, महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला है, भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? इंदिरा पॉइंट। अगला है, कावेरी नदी किन राज्यों में होकर बहती है? तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। अगला है, काली और तिस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? नेपाल हिमालय। अगला है, वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? आयन मंडल। भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में। अगला है, बोकारो तथा भिलाई स्थित लोहे इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए थे? तो ये पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। अगला है, मूक घाटी परियोजना किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यह केरल में। अगला है, देश का सर्वप्रथम सुपरफास्ट फॉस्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? रानीपेट, चेन्नई में। अगला है, रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? भोपाल में, एमपी में। अगला है, हल्दिया तेल शोधन कारखाना किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। अगला है, जौनसारी खरवार तथा थ्रयाऊ थ्रग्याऊ जातियां मुख्यतः किस राज्य में निवास करती हैं? उत्तर प्रदेश में। अगला है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस क्षेत्र में कंपनी है? तो ये प्राइवेट सेक्टर की। अगला है, थोरियम भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मिलता है? केरल में। अगला है, नेवेली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य से लिग्नाइट कोयला निकालता है? तो ये तमिलनाडु से। अगला है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का विकास स्तंभ कहा जाता है? तो यह स्ट्रामबोली, ज्वालामुखी। अगला है, जोजीला दर्रा किस किसको जोड़ता है? तो लेह तथा श्रीनगर को। अगला है, हमारा पूर्वी तट को किन दो भागों में बांटा जाता है? कोरोमंडल तट दक्षिण भाग और काकीनाडा तट उत्तर का भाग। अगला है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। अगला है, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? एकांकागुआ। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी उत्खनन की खान होम स्टेक किस राज्य में है? दक्षिण डकोटा। अगला है, रेहन्द योजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। अगला, मैगी नॉट लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? जर्मनी एवं फ्रांस। अगला है, जापान पहले किस नाम से जाना जाता था? निप्पन। अगला, हमारा सेंट लुइस नगर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? मिसिसिपी और मिसौरी के संगम पर। याद रखिए, मिसिसिपी और मिसौरी पंजाब का डेल्टा बनाती हैं। विदर्भ किस राज्य के एक भाग का नाम है? महाराष्ट्र। अगला है, भू आकृति विज्ञान में किसकी सांगो पांग वर्णन किया जाता है? भू पृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का। अगला है, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कहाँ स्थापित है? पुणे में। अगला है, पख्तूनिस्तान क्षेत्र किस देश में? अफगानिस्तान में। अगला है, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? अर्जेंटीना की। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवने किस दिशा में बहती हैं? उत्तर पूर्वी दिशा में। अगला है, हमारा शारजाह है कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में। अगला है, आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा है? सिरियस। अगला, अफ्रीका देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट।
अगला है वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? कैस्पियन सागर में। अगला है गोभी रेगिस्तान कहाँ है? स्थित मंगोलिया में। अगला है इसका सबसे गहरी झील कौन सी है तथा तो किस देश में है? तो यह बैकाल झील है रूस में। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील, रूस में स्थित है।